बस न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा सा। देखिए आज की खास रिपोर्ट। नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई में भारी मात्रा में विस्फोटकों की बरामदगी के बाद औरंगाबाद पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 6.5 किलो बहुचर्चित अत्यधिक नशीला पदार्थ अफीम बरामद किया है। बरामद अफीम के नशे के कारोबार के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाखों में आंकी जा रही है। इस मामले में पुलिस ने 3 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों में मैनेजमेंट का एक छात्र भी शामिल है। पुलिस कप्तान कांतिस कुमार मिश्रा ने गुरुवार को यह बताया कि औरंगाबाद मुफसिल थाना अध्यक्ष को गुप्त सूचना मिली थी कि चतरा की ओर से आ रही एक निजी बस संख्या में 3 तस्करों द्वारा भारी मात्रा में अफीम की तस्करी की जा रही है। इस सूचना पर औरंगाबाद नगर एवं मुफसिल थाना की पुलिस टीम ने मंजू राही मोड़ के पास घेराबंदी कर वाहन चेकिंग अभियान आरम्भ किया। इसी दौरान चतरा की ओर से आ रहे निजी बस को तलाशी लेने के लिए रोका गया। बस के रुकते ही 3 युवक पुलिस को देखते ही वाहन से उतरकर भागने लगे, जिन्हें पुलिस ने खदेड़ कर पकड़ लिया। पकड़ने के बाद पुलिस ने तीनों युवकों की तलाशी ली। तलाशी में गया जिले के बाराचट्टी थाना के पोखरिया निवासी राजू कुमार सिंह, चतरा जिले के गिधोर थाना के गड़की निवासी सुजीत कुमार, चतरा जिले के लावालोन थाना के झाड़दाग निवासी अखिलेश यादव, तीनों के बैग से कुल मिलाकर 3 किलो 500 ग्राम सूखा अफीम एवं 3 किलो गीला अफीम बरामद किया गया है। गिरफ्तार तस्करों ने पुलिस के समक्ष स्वीकार किया है कि वो अफीम की इस खेप को दिल्ली के नशीले पदार्थों के बाजारों में बेचने के लिए ले जा रहे थे। गिरफ्तार तस्करों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किया गया है। पुलिस ने तीनों अफीम तस्करों को जेल भेज दिया है। एक बस से कुछ लोग अफीम को लेके जा रहे हैं, तो इसमें एक टीम का गठन किया गया था जिसमें छापेमारी करके 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और जिनके पास से करीब 6.5 किलोग्राम अफीम बरामद हुआ है। 3 किलोग्राम गीला अफीम है और 3.5 किलोग्राम सूखा अफीम बताया जा रहा है। इनके पास 3 मोबाइल भी बरामद हुआ है। गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम है राजू कुमार सिंह जिला गया से, सुजीत यादव थाना की धौर जिला चतरा से, और अखिलेश कुमार यादव थाना लावालोन जिला चतरा। तो ये सभी लोग इसको लेके दिल्ली की ओर जा रहे थे और हम लोग लगातार नशे के विरुद्ध अभियान चला रहे हैं। उसी क्रम में ये उपलब्धि है और हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं कि ये लोग किससे लेकर आ रहे थे और किसको सप्लाई करने की बात हो रही है। इसमें से एक जो लड़का है वो अपने आप को बता रहा है कि मैनेजमेंट का विद्यार्थी है इसी कॉलेज में। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्टेट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।